सत्यनारायण जाट के लिए गुरुवार का दिन राहत लेकर आया है। उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में न केवल परिवादी सत्यनारायण के रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की फरियाद को भलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सुना, बल्कि मौके पर ही तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के लिए भी निर्देशित किया है। जनभावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए पंचायत समिति सुवाना सभागार में गुरुवार को उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर मेहता ने 38 परिवादियों के परिवाद सुने और मौके पर ही निस्तारण के लिए निर्देशित भी किया है। क्षेत्रीय पत्रकार प्रकाश चपलोत ने एक्सप्रेस न्यूज भारत को बताया कि उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में प्रमुख रूप से अतिक्रमण हटाने, कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता खुलवाने, वृद्धावस्था पेंशन, सड़क निर्माण, नामांतरण, किसान सम्मान निधि और हैंडपंप रिपेयर, आयुष्मान कार्ड सहित विभिन्न विषयों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई है। जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आमजन के प्रति जवाबदेही के साथ समस्याओं का निस्तारण करते हुए राहत देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी भलवाड़ा अव्वाद ने सोमनाथ और उपखंड अधिकारी हमीरगढ़ श्रीमती नेहा छिपा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती अरुणा गारू एवं विभिन्न विभागों के जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।